पुढची बातमी पाहूया. ऋतिक रोशनचा सुपर 30 चित्रपट आज प्रदर्शित झालाय. हा चित्रपट IIT कोचिंग संस्थेचे संस्थापक आनंद कुमार यांच्या जीवनावर आधारित आहे. पाहूयात या चित्रपटाविषयी प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया. बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया. दो मिनट के बाद मैं भूल गया था कि मैं ऋतिक रोशन को देख रहा हूँ. वो आदमी मुझे आनंद कुमार देख रहा है. वो असली में ग्रीक गॉड है सबको पता, लेकिन वो आनंद कुमार देख रहा है दो मिनट के अंदर. यार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी. अभी का जो यूथ है और 5 साल पहले का जो यूथ था उसमें बहुत फ़र्क है. स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन, एडिटिंग, जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग क्या फिल्म बैकग्राउंड से रहते हैं तो हम लोग को आइडिया रहता है हर चीज़ का. तो मैं उस हिसाब से बोलूँगा फिल्म हंसाएगी, फिल्म रुलाएगी. अगर ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो मतलब आपने झंडा गाड़ दिया हर मामले में. गानों का जो काम था वो उन्होंने किया, इमोशनल किया, हंसा हूँ और क्लाइमेक्स में रो के निकला हूँ भाई. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ऋतिक की एक्टिंग सुपर, मतलब अभी आमिर सर को भी परफेक्शन में बीट किया है. बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर दिख रहे हैं. मतलब मैं आमिर खान की बात कर रहा हूँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, उनको बीट किया है. मैं ये कहना चाहता था, मैं गलत भूल गया. बहुत कुछ बदलेगी, बहुत कुछ बदलेगी. उनका जो एक बीच में एक उन पर कुछ, आप लोग देखेंगे फिल्म को, उसमें कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम की सिचुएशन आ जाती है. उस सिचुएशन में भी कहते हैं अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये खबर छापना मत, क्योंकि जो लोग बदलने चाहते हैं ना, लोगों को, समाज को बदलना चाहते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाएगी. तो वो मोटिवेशन के लेवल पे तो पूछिए मत. सारे एक नंबर, लिरिक्स वाइज, म्यूजिक वाइज, सब कुछ एक नंबर. ऋतिक वाज ऑल मतलब हमेशा अमेजिंग. फिल्म इतनी अच्छी थी कि ना गाने कहीं ना कहीं दब जाते हैं, तो वो चीज़ है. बाकी ऑल ओवर वेरी गुड, वेरी गुड. आई गेस 4. नहीं, बहुत बढ़िया थी पिक्चर, बहुत बढ़िया थी. और आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन भी था इसमें कि किस तरह मेहनत करके हम आगे सक्सेस हो सकते हैं. ऋतिक का एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी और सब कुछ ही अच्छा लगा. ऐसे गाना तो फोकस नहीं किया, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी थी और हॉल में क्लैपिंग भी बहुत हुई. फिल्म बहुत सुपर लगी. आई रियली लाइक द मूवी, आई रियली लाइक ऋतिक्स एक्टिंग. ही हैज रियली आउटडन व्हाट ही हैज डन. सो सुपर एक्टिंग एंड आई लव द मूवी. आई थिंक इट लिटिल लेंथी टुवर्ड द एंड. So story seemed to be little up and down in terms of realistic way, but yes, truly loved it. It's inspiring. It's definitely inspiring. It's not like you can't relate to it. It's pretty relatable. And Ritik has really outdone his work, his acting, and also at the same time his Bihari accent is really relatable to Amitabh Bachchan's accent. If you hear him, you feel like Amitabh Bachchan is delivering the dialogue. It's very nice. Munal's acting, I was like, it's okay for me. It really didn't appeal me, but yes, Ritik again. Ritik Roshan ne isme teacher ka role kiya hai, aur particular Bihari teacher ka, to uske bhasha mein bhi Bihari pan tapakta hai. और पूरी तरह सूटेबल रोल किया है. देखिए इंस्पायरिंग है पूरी, मोटिवेटिंग है. और इन्होंने लास्ट में लिखा है कि डेडिकेटेड टू द टीचर्स. जो टीचर्स मतलब सही माने में टीचर्स हैं और जो अपने देश का भला चाहते हैं, वो बच्चे को उस तरह की शिक्षा देते हैं कि उसका पूरा परिवार ऊपर आ जाए. इसमें 5 पे 5 बनते हैं, क्योंकि समझने और सीखने का बहुत